नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं शहीदी दिवस पर निफा संवेदना कार्यक्रम के तहत सोमवार को बचपन प्ले एवं हाइट्स स्कूल एवं जनसेवा कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आमला के बचपन प्ले स्कूल भीमनगर आमला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रिकॉर्ड 211 लोगों ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और एक रिकॉर्ड बनाया। ग्राम जम्बाड़ा के महाकाल युवा मंडल की महिलाओं ने पहली बार जब बचपन प्ले स्कूल आमला पहुंचकर रक्तदान किया तो आयोजन समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया। रक्तदान कर ग्राम वापस लौटने पर ग्रामीणों ने बैंड बाजे और पुष्प वर्षा के साथ उनका सम्मान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता मालवीय माधवी, खातरकर मीरा साहू, माया चौकीकर ने, महिला रक्तदाता वर्षा सोनी, पुष्पा सराटकर, विनीता कुंभारे, कल्पना कोसे, देवकी बोरा से को गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। महाकाल युवा मंडल के मोनू सोनू ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी जनसेवा कल्याण समिति के आग्रह पर जम्बाड़ा से जिला चिकित्सालय बैतूल पहुंचकर रक्तदान किया गया था। तब से हमारी टीम ग्रामीणों को रक्तदान के महत्व को बता रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि रक्त की कमी से किसी की भी मौत ना हो सके, इसके लिए हम आसपास के ग्रामीणों को भी जनसेवा कल्याण समिति के सहयोग से रक्तदान जागरूकता की जानकारी देंगे। आयोजन समिति के अमित यादव, नीरज वास्कर ने बताया कि रक्तदान के लिए ग्रामीण महिलाओं का आगे आना ये बताता है कि आमला ब्लॉक में रक्तदान जागरूकता की पहल असर कर रही है और बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिला भी रक्तदान कर रही हैं। भावेश मालवीय ने बताया कि हमारा प्रयास है कि आगे भी बड़ी संख्या में महिला रक्तदान करें, इसके लिए हम रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आमला से हरिप्रसाद गोही की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।